राजस्थान की राजधानी जयपुर मंगलवार को एक बड़ी वारदात की गवाह बनी। दो दिन पहले तक सियासी घटनाक्रम की गवाह बनी गुलाबी नगरी में राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगा मेड़ी की उनके घर में ही हत्या कर दी गई। तीन हमलावरों ने सुखदेव सिंह को घर में घुसकर गोलियों से छलनी कर दिया। जब तक अस्पताल में उन्हें बचाने की कवायद शुरू होती तब तक उनके शरीर की धड़कन बंद हो गई। इस हमले में हमलावरों के साथ आया एक शख्स भी मारा गया है। अब बचे दो हमलावर मौके से फरार हो गए। जैसे ही यह खबर फैली प्रदेश में करणी सेना के कार्यकर्ताओं ने हंगामा शुरू कर दिया। कई जगहों पर राजपूत करणी सेना के कार्यकर्ताओं ने सड़क जाम कर प्रदर्शन किया। हम आपको इस पूरी वारदात के बारे में विस्तार से बताते हैं। घर में लगे सीसीटीवी कैमरे इस नृशंस हत्या का सबसे बड़ा सबूत है। सीसीटीवी में दिख रहा है कि आरोपी पहले सुखदेव से बातचीत करते रहे और फिर अचानक उन दोनों ने सुखदेव पर गोलियां बरसाना शुरू कर दिया और इस पूरी वारदात को महज 10 मिनट में अंजाम दिया गया। पुलिस के अनुसार जो युवक बदमाशों को गोगा मेड़ी के घर में ले गया था उसकी भी फायरिंग में मौत हो गई। उसकी पहचान नवीन शेखावत के रूप में हुई है। गैंगस्टर रोहित गोदारा ने हत्याकांड की जिम्मेदारी लेते हुए सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर किया है। दरअसल पहले तीन लोग सुखदेव के घर पहुंचे, फिर वे सोफे पर बैठ गए और गोगा मेड़ी से बातें करने लगे। करीब 10 मिनट बाद दो बदमाश उठे और फायरिंग शुरू कर दी। फायरिंग के दौरान गोगा मेड़ी के गार्ड ने उसे बचाने की कोशिश की, बदमाशों ने उस पर भी फायरिंग कर दी। जाते समय भी एक बदमाश ने गोगा मेड़ी के सिर में गोली मार दी। बदमाशों की फायरिंग में नवीन नाम के शख्स को भी गोली लग गई। जयपुर के पुलिस कमिश्नर बीजू जॉर्ज जोसेफ के मुताबिक मृतक नवीन सिंह शेखावत शाहपुरा का रहने वाला था। नवीन जयपुर में कपड़े का कारोबार करता था। पुलिस के पास सभी आरोपियों और घटना की सीसीटीवी फुटेज है। मौके से भागे दोनों आरोपियों की तलाश जारी है। पुलिस के मुताबिक आरोपी एक एसयूवी कार में सवार होकर आए थे जो पुलिस ने गोगा मेड़ी के घर के बाहर से बरामद कर ली है। उस कार से एक बैग, शराब की बोतल और खाली गिलास मिला है। घटना के बाद एसएफएल टीम की मदद से फायरिंग वाली जगह यानी मौका वारदात से तमाम तरह के सबूत जुटाए गए हैं। तीन लोग यहाँ आए थे, यहाँ बाहर से सूचना दे दिया कि मिलना है हमें सुखदेव सिंह जी से। तो सुखदेव सिंह जी से उनका जो पीएस जो सिक्योरिटी है वो जाके पूछ लिया, तो उनका अनुमति मिलने के बाद तीनों लोग अंदर गया। वहाँ करीबन 10-1 मिनट उनके साथ बातचीत किया। 10-1 मिनट के बाद उनके ऊपर फायरिंग किया। उस फायरिंग में सुखदेव सिंह जी का डेथ हो गया। उनके बगल में जो सिक्योरिटी खड़ा था उनके भी गोली लग गया। वो अभी हॉस्पिटल में आईसीयू में है। और इस क्रॉस फायर के दौरान तीन हमलावरों में एक का भी डेथ हो गया। तो वो हम जिसका डेथ हो गया उनका नाम है नवीन सिंह शेखावत। वो है यहाँ का मूल रूप से शाहपुरा के पास का रहने वाला है और अभी जयपुर में निवास कर रहा है। क्या करता था? ये कोई दुकान करता है, कोई छोटा मोटा कपड़े का दुकान करता है। तो जो भी हो हम उसका उस लीड है। हमारे पास सीसीटीवी का फुटेज है। जो टोटल घटनाक्रम है वो सीसीटीवी में कैद हो गया है और अभी उसी का चल रहा है। हम जो जितना भी साक्ष्य और सूचनाएं हमारे पास है उसे उम्मीद है कि बहुत जल्दी हम बाकी दोनों को भी चिन्हित करेंगे और इसके पीछे जो भी इसका प्लानिंग किया है उधर तक हम जल्दी पहुंच जाएंगे। जो यहाँ से जब भाग रहा था, यहाँ से जब जा रहा था तो उनको एस्केप के लिए गाड़ी ले नहीं पाया क्योंकि जिसने गाड़ी लेके आया था उनका क्रॉस फायर में मृत्यु हुआ। तो उनको गेटअवे के लिए एक स्कूटी छीन के वो स्कूटी में भाग गया। उधर गोगा मेड़ी की हत्या की जिम्मेदारी लेने वाला गैंगस्टर रोहित गोदारा गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई गैंग का गुर्गा है। पुलिस ने उस पर 1,00,000 रुपए का इनाम घोषित किया है। गोदारा साल 2022 में फर्जी नाम से पासपोर्ट बनवा कर देश से भाग गया था। विदेश जाने से पहले गोदारा बीकानेर के लूण करण सर में रहता था। वो 2019 में चूर के सरदार शहर में भीमराज सारण की हत्या के मामले में भी मुख्य आरोपी था। गोदारा ने गैंगस्टर राजू ठेहट की हत्या की भी जिम्मेदारी ली थी।
टीम न्यूज़ नेशन डिजिटल।